सर्दियों की स्पेशल गुड़ की चाय जो बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गुड़ की चाय फट जाती है, तो अगर आप इस तरीके से गुड़ की चाय बनाएंगे तो ये फटेगी भी नहीं और बहुत टेस्टी बहुत अच्छी चाय बनकर तैयार होगी। क्रिएटिव रमा को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो ये हमने गुड़ लिया है, आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप गुड़ ले सकते हैं। तो हमें 2 कप गुड़ की चाय बनानी है। हमने 2 बड़ा चम्मच गुड़ ले लिया है और मैंने इसे तोड़ करके रख लिया है। 2 लौंग लिया है हमने, 2 इलायची, 1 टुकड़ा अदरक का और 10 से 12 काली मिर्च हमने लिया है और हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी के पत्ते आप और भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमने 20 से 25 पत्ते तुलसी के ले लिए हैं और चाय पत्ती डालेंगे आवश्यकता अनुसार। 1 कप हमने पानी लिया है, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और 1 कप दूध लिया है। तो चलिए चाय बनाना शुरू करते हैं। तो चाय बनाने के लिए मैंने गैस पर चाय का बर्तन रख दिया है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, तो हमने 1 कप पानी डाल दिया है। 1/2 कप पानी हम और डाल देंगे क्योंकि जब चाय हमारी पकेगी तो पानी जल जाएगा, तो हमें 2 कप चाय बनाना है तो पानी हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है। और इसके साथ ही इसमें दूध भी डाल देंगे, इसमें उबाल आने देंगे और जब तक इसमें उबाल आ रहा है हम ये सारी चीजें कूट कर तैयार कर लेते हैं। इसमें अदरक डाल देंगे, इलायची, लौंग, ये तुलसी के पत्ते हम दूध और पानी में डाल देंगे, उबलने के लिए रख देंगे इसे। और काली मिर्च को कूट लेंगे, ये सारी चीजें हम कूट लेते हैं। तो इसे मैंने कूट लिया है। तो अब हम चाय के अंदर चाय की पत्ती को डालेंगे। तो हमने छोटा चम्मच लिया है और इससे 2 चम्मच हम चाय पत्ती डालेंगे। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। और इसके साथ ही इसमें जो मैंने मसाला कूट करके रखा है इसे डालेंगे। इससे चाय हमारी बहुत टेस्टी होगी और हेल्दी भी होगी। और अगर थोड़ी सी सर्दी जुकाम खांसी हल्का सा बुखार है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो हमें सर्दी के मौसम में इसी तरीके से गुड़ की चाय बनानी चाहिए। इसे हम डाल देते हैं और इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। अभी हमें गुड़ को नहीं डालना है। तो चाय हमारी अच्छी तरीके से पक रही है, आप देख सकते हैं। इसे हम 1 चम्मच से मिला देते हैं और धीमी आंच पर इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। इससे जो सारे मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं उसका सारा तत्व तो हमारी चाय में आ जाए। तो इसे हम धीमी आंच पर अच्छी तरीके से उबलने देंगे 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट हो जाएंगे और चाय का हमारा कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो गया है, ब्राउन होने लगा है। तो चाय हमारी पक चुकी है। तो आंच को हम धीमा ही रखेंगे, बिल्कुल धीमा रखेंगे, तेज हमें नहीं रखना है। और अब हम इसके अंदर ये गुड़ डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और जैसे ही गुड़ हमारा गल जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद हमें इसे नहीं उबालना है, नहीं तो चाय हमारी फट जाएगी। आप इस तरीके से अगर गुड़ की चाय बनाएंगे तो चाय हमारी नहीं फटेगी। जो लोग पहले ही गुड़ डाल देते हैं और उसके साथ ही सारे मसाले डालकर उबालते हैं तो ही चाय हमारी फटती है। इसे अच्छी तरीके से हम गल जाने देते हैं। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, तो हम चम्मच से दिखाते हैं कि गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाय को छान लेंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है, चाय को हम कप में छान लेते हैं और हमारी गर्मा गर्म गुड़ की चाय बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से इस चाय को बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी चाय कैसी बनी।